हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे 15 श्योर शॉट इंग्लिश क्वेश्चंस जो कि नए पैटर्न के हैं, और निश्चित रूप से IBPS PO प्री में और मेंस में और IBPS PO क्लर्क एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यही क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं सभी बैंकिंग एग्जाम्स में और PGDF एग्ज़ाम में। तो इस पूरे वीडियो क्लास को आप ध्यान से देखिए, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें आपके क्लियर होंगे। और इस वीडियो क्लास में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ऑफ़र देने जा रहा हूं, तो उस ऑफ़र को लेने के लिए आपको इस पूरे वीडियो को देखना होगा, इसलिए इस पूरे वीडियो को आप देखिए एंड तक, इसको स्किप ना करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हैं कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस, और इस तरह के सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे IBPS PO प्री एग्ज़ाम में, जो कि अक्टूबर में होने वाला है। यहाँ से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हिज ओवर बेयरिंग नेचर वॉज ऑफन अ कॉज ऑफ कंसर्न, मतलब उसका जो ओवरवेयरिंग नेचर था, उसका जो बॉसी टाइप का नेचर था, थोड़ा एरोगेंट और घमंडी टाइप का नेचर था, वो कॉज ऑफ कंसर्न था। ठीक है, एक चिंता का विषय था वो। तो कॉज ऑफ कंसर्न के स्थान पर यदि हम बोलते हैं कॉज फॉर कंसर्न, तो ये ज़्यादा सही होगा। ठीक है, कॉज ऑफ कंसर्न के स्थान पर इसको हम लगाते हैं, ऑफ प्रपोजिशन को हम यूज़ करते हैं एरियाज ऑफ कंसर्न, मतलब ये एरियाज हैं जिन पर हमको फोकस करना है। एरियाज ऑफ कंसर्न तो आप बोल सकते हैं, लेकिन कॉज के साथ हम फॉर लगाते हैं, क्योंकि कॉज के थ्रू हम रीज़न बताते हैं कि इस चीज़ का कॉज क्या है, तो कॉज के साथ हम फॉर लगाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ पर आंसर होगा आपका बी, ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द कमांडोज नीड टू फेमिलराइज देमसेल्फ विद द टोपोग्राफी एंड द डायनेमिक्स ऑफ वायलेंस इन द रीजन बिफोर दे कैन लॉन्च एन अटैक। ये बात सही है कि कमांडो जो होते हैं वो बैटल में युद्ध लड़ते हैं, और उनको किसी भी रीज़न में यदि किसी अटैक को लॉन्च करना है, तो दे हैव टू फर्स्ट फेमिलराइज देमसेल्फ विद द टोपोग्राफी ऑफ दैट रीज़न। टोपोग्राफी मतलब वहाँ का जो नेचुरल और फिजिकल जो क्लाइमेट है, और नेचुरल और फिजिकल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अरेंजमेंट क्या है, वहाँ पर सड़कें किस तरीके से हैं, वहाँ पर रिवर किस तरीके से हैं, वहाँ पर अटैक करने की जगह कितनी है, ओपन स्पेस कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं टोपोग्राफी में, फिजिकल और नेचुरल अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स। तो ये सही है कि टोपोग्राफी के साथ फेमिलराइज होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर यदि आप देखें तो नीट के साथ यहाँ पर टू लगा है, और टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगी हुई है, फेमिलियरिटी एक्चुअली नाउन होता है, फेमिलराइज वर्ब होता है। वो कमांडो जो फेमिलराइज करेंगे वो किसको करेंगे, वो अपने आप को फेमिलराइज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर देमसेल्फ सही है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह इसको यूज़ किया है। ठीक है, फेमिलराइज करेंगे किसके साथ, तो इसलिए विद आया है यहाँ पर, और विद के बाद एक प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट आया है टोपोग्राफी। तो ये सेंटेंस जो है ये सही है आपका, और इसमें आंसर होगा आपका नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। तो इन क्वेश्चंस को यदि आप ट्रिक के साथ करते हैं, सही तरीके से समझते हैं, तो 10 से 12 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। बैंक एग्जाम में आपको 40 सेकंड का टाइम मिलता है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, दे फाउंड इट नेसेसरी, उनको लगा ये आवश्यक था, क्या आवश्यक था, टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर। टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ING फॉर्म नहीं लगाते। एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब होता है मीटिंग पॉइंट, यहाँ पर लोग मिलते हैं, तो यहाँ पर हम टेररिस्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो टेररिस्ट ग्रुप का पता लगाने के लिए ज़रूरी है कि कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाए कि उनके एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस कौन से हैं, कहाँ पर वो लोग मिलते हैं। ठीक है, टेररिज्म प्रोग्राम को सही करने के लिए ये ज़रूरी है कि उनके कन्वर्जेंस एरियाज को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कंटिन्यूसली मॉनिटर एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस, सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। कंटिन्यूअली का अर्थ होता है रुक रुक के, जैसे बारिश होती है, रेन होती है रुक रुक के, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। ये बैंक PO एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन हैं, प्री एग्ज़ाम के ये सारे क्वेश्चंस मैं इसमें करवा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं इसमें मेंस एग्ज़ाम के भी आपको करवाऊँगा। और यहाँ पर ये है आपके लिए ऑफ़र, यदि आप हमारा ई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं IBPS PO में, तो आपके लिए ऑफ़र है। ये ऑफ़र वैलिड रहेगा 2 सितंबर रात के 10 बजे तक। इसमें मैं केवल 20 स्टूडेंट को ही एडमिशन दूंगा, फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए ही ये ऑफ़र वैलिड रहेगा, उसके बाद ये ऑफ़र बंद हो जाएगा। तो या तो 2 सितंबर तक 10 बजे तक, या 20 स्टूडेंट, जो भी इसमें से पहले हो जाएगा उसके बाद ये ऑफ़र आपका कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद आपको रेगुलर फीस में ही इसको पे करना पड़ेगा।
रेगुलर फीस है इसकी 2450 रुपये, लेकिन अभी इसमें 800 रुपये का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, और 1650 रुपये में इस पूरे ई कोर्स को पूरे इंग्लिश सेक्शन के लिए और पूरे करंट अफेयर्स सेक्शन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पूरा इंग्लिश सेक्शन प्री का, मेंस का, GDPI का और डिस्क्रिप्टिव का आपको पढ़ाया जाएगा नए पैटर्न की क्लासेस के द्वारा। इनको आप मोबाइल पे भी चला सकते हैं इन क्लासेस को, और किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए, चाहे IBPS हो, इंडियन बैंक हो, NISCL हो, ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। एक वीक में 5 क्लासेस इसमें रहेंगी, जिसमें से एक आपका मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, 9893711933, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका लिंक, डिस्काउंटेड ऑफर जो है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से क्लिक करके इसको आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। और कॉल, व्हाट्सएप एंड पेटीएम के नंबर भी दिए हैं, इनके थ्रू भी आप इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ये ऑफर वैलिड रहेगा केवल शुरू के 20 स्टूडेंट के लिए ही, 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक। आगे ये क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए इस क्वेश्चन में भी आपके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट चेक हो रहे हैं। द गवर्नमेंट वॉज अक्यूज ऑफ नॉट टेकिंग नेसेसरी मेजर्स। गवर्नमेंट के ऊपर एक आरोप लगा कि वो क्या नहीं कर रही है, नॉट टेकिंग नेसेसरी मेजर्स, वो आवश्यक उपाय नहीं कर रही है। किस लिए आवश्यक उपाय नहीं कर रही है? टेररिज्म को कर्ब करने के लिए, टेररिज्म को डिस्करेज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि सिंस इसमें लगाया, इसका मतलब है क्योंकि सच टेररिस्ट ग्रुप्स कंटिन्यू टू ऑपरेट, चूंकि ये सेंटेंस पास्ट में है तो इसलिए कंटिन्यूइंग टू ऑपरेट के स्थान पर हम बोलेंगे कंटिन्यू टू ऑपरेट विद फ्रीडम एंड इम्प्यूनिटी। अभी भी आज़ादी के साथ और एक्सेप्शन के साथ खुलेआम टेररिस्ट घूम रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगा है कि वो नेसेसरी मेजर्स नहीं ले रही है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कंटिन्यूड टू ऑपरेट विद फ्रीडम एंड इम्प्यूनिटी, बी यहाँ पर हम इसमें बोलेंगे, बी यहाँ पर इसको इसमें हम बोलेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, वॉज एक्यूज ऑफ लिखा हुआ है, इसलिए कंटिन्यू ना बोलते हुए कंटिन्यूड टू ऑपरेट हम इसमें बोलेंगे। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नॉट विद स्टैंडिंग द इंसेसेंट डाउन पोर ऑफ शेल फायर एंड बुलेट्स, दे चार्ज डाउन एंड टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंसेसेंट डाउन पोर हो रहा है, डाउन पोर मतलब होती है मूसलाधार बारिश, लेकिन मूसलाधार बारिश यहाँ पर किस चीज़ की हो रही है? यहाँ पर डाउन पोर को फिगरेटिव सेंस में यूज़ किया है, जिसका मतलब होता है शेल फायर, और इसका मतलब है कि गोलियों की बारिश हो रही थी, शेल फायर एंड बुलेट्स की बारिश हो रही थी। तो किसी किसी बैटल का, बैटल से रिलेटेड ये सेंटेंस है, ठीक है। तो डाउनपोर का मतलब है मूसलाधार बारिश हो रही थी शेल फायर की और बुलेट्स की, और जो मूसलाधार बारिश जो थी वो इंसेसेंट थी, वो लगातार हो रही थी। तो डाउनपोर यहाँ पर अपने आप में एक नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है इस एडजेक्टिव से, जो कि इंसेसेंट है, इसका मतलब है लगातार। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है इसके बावजूद, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग को हम इन स्पाइट ऑफ भी बोलते हैं, और ऑफ के बाद हम नाउन लगाते हैं, तो नाउन यहाँ पर लगी हुई है। तो किसी भी तरीके से आप एनालाइज करिए, ये सेंटेंस आपका सही है और इसका आंसर होगा नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। ये देखिए टाइप टू के कुछ क्वेश्चंस हैं, और मैं अपने ई कोर्स में ये क्वेश्चंस डेली बेसिस पे करा रहा हूँ, और सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपको IBPS PO प्री में देखने को मिलेंगे, इसी तरीके के सेम क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर ए बी सी और डी चार सेंटेंस दिए हैं, चार सेंटेंस में से कौन कौन से सेंटेंस करेक्ट हैं ये आपको फिगर आउट करना है। क्वेश्चन का टाइप क्या है इसको पढ़ने के लिए, इसको पता लगाने के लिए आपको यहाँ पर डायरेक्शंस जो लिखे रहते हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तब भी, और जब आप रियल एग्जाम में होते हैं तब भी। आपको थोड़ा जल्दी से पढ़ना है क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, और आपको पता लगाना है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना है। तो चार क्वेश्चन में से दो नहीं, मतलब कोई भी ऐसे क्वेश्चन आपको ढूंढना है इसमें से जो सही है। तो यहां से हम पढ़ते हैं, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थॉरली ऑन द ईव ऑफ द एग्जामिनेशन दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू वर्क इट आउट। डिस्कस के बाद हम सीधा ऑब्जेक्ट लगाते हैं, डिस्कस के बाद हम प्रपोजिशन नहीं लगाते। डिस्कस का मतलब होता है टॉक अबाउट, जिसमें प्रपोजिशन पहले से लगा रहता है। तो डिस्कस हुआ, ऑर्डर हुआ, रीच हुआ,
इसके बाद हम प्रपोजिशन नहीं लगाते, एंटर हुआ, एंटर इन टू, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया आपका गलत। दूसरा पढ़ते हैं, एन इंडियन शिप लेडन विथ मर्चेंटाइज गॉट ड्राउंड इन द पैसिफिक ओशन। एक इंडियन शिप जो है जो मर्चेंटाइज से लदा हुआ था वो ड्राउंड हो गया, डूब गया। तो इस सेंटेंस में ड्राउंड जो वर्ब है ये गलत है, क्योंकि इसको हम ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ करते हैं, थिंग्स के लिए हम सिंक वर्ड का यूज़ करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं, आई कुड नॉट पुट अप एट ए होटल बिकॉज द बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस वर एग्जॉर्बिटेंट। सी आपका सही है। द इंडियन रेडियो विच वॉज प्रीवियसली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश रूलर इज फ्री नाउ। नाउ इसमें बीच में लगा दिया है, फ्री फ्रॉम हम बोलेंगे, फ्री रूलर इज नाउ फ्री फ्रॉम, ऐसे बोलेंगे नाउ फ्री फ्रॉम, क्योंकि फ्रॉम जो है वो फ्री के साथ अटैच होगा। तो ये सेंटेंस भी गलत है। इसमें केवल सी सेंटेंस आपका सही है, और इसमें आंसर होगा बी, ओनली सी। इस सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है। यदि आपके बेसिक क्लियर हैं, यदि आपको ट्रिक्स पता हैं, तो बहुत आसानी से 10 से 12 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। इफ़ आई हैड नोन दिस यस्टरडे, हैड के साथ वुड हैव आता है, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया गलत। दूसरा देखते हैं, अ लॉट ऑफ ट्रेवल डिलेज कॉज ड्यू टू द इनएफिशिएंसी एंड लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द रेलवेज। ये सही है सेंटेंस। वन ऑफ द मेंबर गलत है, वन ऑफ द मेंबर्स होता है, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हैविंग रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग वी आर राइटिंग टू थैंक यू फॉर द सेम। हैविंग रिसीव्ड, हैविंग प्लस V3 का मतलब होता है कि एक काम हो चुका है, उसके बाद दूसरा काम शुरू हुआ है, तो ये सेंटेंस भी सही है, ठीक है। इसमें बी और डी सही हैं आपके, तो आपका आंसर होगा इसमें डी, बोथ बी एंड डी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इफ़ यू लेंड हिम अ बुक, यदि आप उसको किताब उधार देते हैं, ही विल लेंड इट टू समवन एल्स एंड नेवर, एंड यू विल नेवर गेट इट बैक। नेवर यू की जगह यू विल नेवर गेट इट बैक होगा, तो ये गलत हो गया आपका। अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज़ मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, बाइबल के अनुसार इस धरती पर जो लोग राज करेंगे या इसको जो इनहेरिट करेंगे वो लोग होंगे मीक एंड हम्बल। मीक एंड हम्बल, या तो आप बोलिए मीक एंड हम्बल पीपल, या बोल सकते हैं द मीक एंड हम्बल, यहाँ पर द लगाना पड़ेगा। द के थ्रू हम इसके ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, द मीक एंड हम्बल लोगों का ग्रुप, तो यहाँ पर आपको द इंसर्ट करना पड़ेगा, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द डेंटिस्ट केम इन माई टूथ वॉज स्टॉप्ड एकिंग आउट ऑफ फियर दैट आई माइट लूज माई टूथ। व्हेन द डेंटिस्ट केम इन माई टूथ वॉज, वॉज नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये पैसिव वॉइस नहीं है। जैसे ही डेंटिस्ट अंदर आया मेरे दांत का दर्द होना बंद हो गया, अपने आप हुआ, इसमें कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए वॉज नहीं आएगा इसमें, ये गलत हो गया। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डू हिज अटमोस्ट टू डिफेंड हिज हार्डली वन फ्रीडम ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, वो हमने बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से प्राप्त की है, तो यहाँ पर हम हार्डली वन नहीं बोलेंगे, हार्ड वन बोलेंगे, हार्ड वन। ये भी गलत हो गया, चारों सेंटेंस गलत हैं। आंसर होगा आपका नन ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नो सूनर डिड आई ओपन द डोर, नो सूनर के बाद देन आता है, THEN देन, ये गलत हो गया। इफ ए मैन डिलीजेंटली सीक्स टू कम इन टू कॉन्टेक्ट विद द बेस्ट दैट हैज़ बीन थॉट एंड सेड इन दिस वर्ल्ड ही विल बिकम सिंपल एंड अनसेल्फिश। ये सेंटेंस सही है, सीक्स यहाँ पर सही है क्योंकि मैन सिंगुलर है, ये सेंटेंस सही है। आगे पढ़ते हैं, ऑन द बिजी रिंग रोड वी विटनेस्ड अ कॉलिजन। एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें दो वाहन जो हैं वो टकरा गए एक दूसरे से, अ ट्रक एंड एन ऑटो। ये सेंटेंस सही है, वी विटनेस मतलब हमने देखा, पास्ट में हमने देखा, तो ये सेंटेंस सही है। डी देखते हैं, ही कुड नॉट, नहीं, इसमें बट लगा दिया है बीच में, ही कुड नॉट हेल्प शेडिंग, ऐसे होगा, तो डी गलत हो गया। इसमें बी और सी सही हैं, आंसर होगा सी, बोथ बी एंड सी। ये Type 3 के क्वेश्चन हैं, और Type 3 के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि इसमें दो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो दो ऑप्शन में से फर्स्ट जो ऑप्शन है वो फर्स्ट और सेकंड में फिट होना चाहिए, और सेकंड ऑप्शन है वो थर्ड में फिट होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं, इफ़ यू स्मगल गुड्स इनटू द कंट्री दे मे बी बाय द कस्टम्स अथॉरिटी। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ट्रिक से करना होता है।
और आपको केवल एक वर्ड को सही तरीके से फाइंड आउट करना है, एक वर्ड आपको मिल जाता है तो सारे क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएंगे, क्योंकि जो सेकेंड ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन से रिलेटेड है। यदि ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन गलत है और फर्स्ट ऑप्शन सही है, यदि आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है और आप श्योर हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें आएगा, तो आपको सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, इफ़ यू स्मगल गुड्स इन टू द कंट्री दे मे बी बाय द कस्टम्स ऑफिसर। देखिए, यदि आप स्मगल गुड्स को कंट्री के अंदर लाते हैं तो कस्टम्स ऑफिसर क्या करते हैं, उसको उसको वो सीज कर लेते हैं, उसको जब्त कर लेते हैं, उसको कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। तो कॉन्फिस्केट सेकेंड ऑप्शन में दिया है तो सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको सेकेंड को और थर्ड को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ही सही हो जाएंगे, ये इसमें एक बेसिक ट्रिक है। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं इसको, सेकेंड थर्ड को पढ़ लेते हैं। डेविस इज एन ऑप्रोब्रियस विटुपरेटिव एंड स्पीकर इक्वली कास्टिक। यहाँ पर डेविस के बारे में बोला जा रहा है कि वो विटुपरेटिव है, ऑप्रोब्रियस है और दूसरों की निंदा करता है, क्रिटिसाइज करता है। तो ऑप्रोब्रियस का इक्वलेंट वर्ड है विटुप्रियस, ठीक है, तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। इस सेंटेंस में भी आप ट्रिक लगा सकते हैं, देखिए, इफ नेगोशिएशंस आर टू प्रूव फ्रूटफुल, यदि नेगोशिएशंस होती हैं, दो लोगों के बीच में वार्तालाप होता है, ठीक है, तो देयर मस्ट नॉट ओनली बी सिंसियरिटी ऑन ईच साइड, ना केवल इसकी वार्ता की सक्सेसफुल होने के लिए ना केवल दोनों तरफ सिंसियरिटी होनी चाहिए, बट देयर मस्ट ऑल्सो बी इन द सिंसियरिटी ऑफ द अदर साइड, और जो दूसरे साइड की, दूसरे पार्टी की जो सिंसियरिटी है उसमें भी आपका ट्रस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए जो ट्रस्ट के इक्विवेलेंट हो, और ट्रस्ट के इक्विवेलेंट जो वर्ड है वो है आपका फेथ। आपका आंसर होगा बी, आपको सेकेंड और थर्ड को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। यदि आप सारे सारे सेंटेंसेस को पूरा पूरा पढ़ेंगे, सारे ऑप्शंस को आप एनालाइज करेंगे, तो आपको जो टाइम लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा, और आप कर तो देंगे उस क्वेश्चन को लेकिन एग्जाम में आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको लॉजिक और ट्रिक को अप्लाई करना होता है यदि आप किसी भी एग्जाम में निकलना चाहते हैं। जो सारे रैंकर्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं, वो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को करते हैं। IITians जो होते हैं वो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यदि मैं आपको सारे ऑप्शंस ये समझाऊं और ये सारा करूं तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी मैं आपको ये ट्रिक के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखते हैं, यहां पर भी आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। इन ए चेंजिंग एंड अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस एनवायरमेंट, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर बीइंग इंक्रीजिंगली डिमांडेड ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। मतलब बिजनेस एनवायरमेंट जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और उसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन की डिमांड की जाती है एग्जीक्यूटिव से। तो धीमे धीमे चेंज होने के लिए क्या वर्ड है, ये हमारे पास अभी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सपोज हमें समझ में नहीं आ रहा है कि फर्स्ट में कौन सा वर्ड आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, थर्ड सेंटेंस को पढ़ें और थर्ड सेंटेंस के अकॉर्डिंग मतलब निकालें। हिज नॉवेल्स आर, उसके नॉवेल्स कैसे हैं, ठीक है, यहाँ पर उसके रिलेटेड एक वर्ड आपको फिल करना है, और उसके नॉवेल कैसे हैं ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए, ही यूजेज ए लॉन्ग सर्कमलोक्यूशन व्हेन ए डायरेक्ट कपलिंग ऑफ ए सिंपल सब्जेक्ट एंड ए वर्ब वुड बी बेस्ट। मतलब वो चीज़ों को बहुत घुमा फिरा के पेश करता है, बहुत लंबे सेंटेंसेस यूज करता है, बहुत वर्डी है, वो वर्ड ज़्यादा यूज करता है। तो हिज नॉवेल्स आर वर्डी, ठीक है, यहाँ पर आएगा वर्डी। वर्डी का इक्विवेलेंट वर्ड है प्रोलिक्स, आपका आंसर हो गया ए, क्योंकि प्रोलिक्स का इक्विवेलेंट वर्ड एक भी नहीं है इसमें। देखिए, पेडिस्टियन है, सक्सिंक्ट कंसाइज होता है, ठीक है, और वेपिड है, रिस्क है, मतलब प्रोलिक्स के इक्विवेलेंट वर्ड इसमें एक भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ए, यहाँ पर आपका इसमें सही आंसर होगा। ये टाइप फोर के क्वेश्चन है, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है, ये इस बार पूछे गए थे SBI क्लर्क में, SBI PO में, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन मैं डेली डेली बेसिस पे 20 20 25 25 30 30 क्वेश्चन मैं अपने ई कोर्स में कराता हूँ, इसलिए हमारे ई कोर्स के स्टूडेंट्स को बहुत बड़े स्तर पर इस समय सफलता मिल रही है सारे एग्जाम्स में। तो ई कोर्स में इस समय ऑफर चल रहा है, 2 तारीख तक इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, द फादर वॉज इंटेंशनली, यहाँ से इसका पेयर बन सकता है, लूजिंग टू हिज सन फॉर चीयर हिम अप। फॉर के बाद ING फॉर्म लगाएंगे, फॉर चीयरिंग हिम अप, तो ए और ई का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। दूसरा देखते हैं, ही इज रियली ए क्रेडुलस एंड नाइव पर्सन, दैट इज वाई पीपल फियर हिम मोस्ट।
यदि कोई व्यक्ति क्रेडुलस है या नायब है या सीधा साधा है तो लोग उससे डरेंगे नहीं। कॉन्टेक्चुअली ये पेयर गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल प्रेशर कैन कॉज ब्लड टू पूल इन द लोअर लोअर रीजन ऑफ द बॉडी मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सर्कुलेट ब्लड टू क्रिटिकल ऑर्गन सच एज द ब्रेन। ग्रेविटेशनल प्रेशर की वजह से लोअर रीजन में ब्लड जो होता है पूल हो जाता है और इसकी वजह से जो क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं ब्रेन्स वगैरह हैं उसमें खून नहीं जा पाता है। तो सी और डी का एक कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बन रहा है। ग्रामेटिकली भी ये पेयर सही है, कॉन्टेक्चुअली भी सही है, तो इसलिए इसमें आपका आंसर होगा सी। सी एंड डी का इसमें पेयर बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, शी गॉट फायर्ड ओनली आफ्टर ए वीक एज दे थॉट शी वॉज नॉट अडेप्ट इनफ। उसको नौकरी से निकाल दिया गया 1 वीक के बाद क्योंकि उन लोगों को लगा कि वो स्किलफुल नहीं थी। ए और ई सही है ये सेंटेंस। आगे देखते हैं, आरबीआई हैज इम्पोज ए पेनल्टी ऑन तमिलैंड मर्केंटाइल बैंक इन ऑर्डर टू फेल टू एडियर टू नॉर्म्स। इन ऑर्डर टू हम पर्पज के लिए लगे हैं लेकिन यहाँ पर हमें रीजन बताना है कि आरबीआई ने पेनल्टी क्यों लगाई। तो रीजन को बताने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर फेलिंग टू, इस तरीके से। तो ये गलत हो गया आपका। दे कुड नॉट हेल्प लाफिंग एज द जोक वॉज रिपीटेटिव एंड ओल्ड। यदि जोक आपका रिपीटेटिव और ओल्ड है तो उस पर हंसी क्यों आएगी, ये कॉन्टेक्चुअल गलत है। यानी ए और ई का सही कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पर। आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैड ही वर्क स्मार्टर देन हिज फ्रेंड। हैड के साथ हम वुड हैव लगाते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। नो सूनर आई डीज द एग्जामिनेशन, लेकिन नो सूनर के बाद हम THAN देन लगाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ही इज़ फिट फॉर नथिंग एज ही डज एवरीथिंग परफेक्टली। वो किसी भी चीज़ के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि वो हर चीज़ को परफेक्टली करता है, तो ये भी नहीं बनेगा इसका। इसका आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को आपको करना होता है। ये वीडियो क्लास में मैंने 15 क्वेश्चन बताए हैं आपको और आगामी सभी बैंकिंग एग्जाम में, IBPS PO में, प्री में, मेंस में, क्लर्क में, PGDF में, इंडियन बैंक में, NICL में, सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं और बैंकिंग एग्जाम में निकलना चाहते हैं तो आप हमारा ई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अभी एक ऑफर चल रहा है 2 तारीख तक, जिसमें ₹800 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आप इस वीडियो क्लास के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से डायरेक्टली क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पेटीएम के थ्रू भी इस ई कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कर सकते हैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम में। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।